सूरत बकरा के हवाले से सही हदीस मौजूद है, जिस घर में पढ़ी जाए उस घर में से शयातीन भाग जाते हैं। 40 दिन की रवायत भी मौजूद है, 40 दिन लगातार जहां पे पढ़ी जाए उस घर में जिन्नात और शयातीन का कदम नहीं डलता। आप लोगों के पास भागते हैं, पीरों फकीरों आमलों के पास, अगर आप नहीं सूरत बकरा पढ़ सकते 40 दिन, आप अपने बच्चों के दरमियान तकसीम कर दें, भाई आधा सपारा आप पढ़ लें, आधा आप पढ़ लें, आधा आप पढ़ लें, आधा आप पढ़ लें। सूरत बकरा घर में पढ़ना ये बाई से बरकत है, जिन्नात को बढ़ाता है। बिलफर्ज आपके बच्चे और आप खुद इसके ऊपर मेहनत नहीं करते तो कम अज़ कम किसी वीडियो के ऊपर, किसी सीडी के ऊपर, किसी ऑडियो के ऊपर इस सूरत को 40 दिन तक, हर बंदे को कम अज़ कम इसकी इब्तदा 40 दिन का ये प्रोसेस मुकम्मल करे, और उसके बाद आखिरी दो आयात जो पहले आपके सामने रखी थी उनको पढ़ना शुरू करे। और इसी सूरत के अंदर एक आयत है, उबई बिन काब खुद बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तू जानता है कुरान पाक में, पूरे कुरान पाक में सबसे अजमत वाली आयत कौन सी है? तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल आयतुल कुर्सी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए और सीने पे प्यार से हाथ मारा, अबुल मंजर, अबुल मंजर भी कह सकते हैं और अरबी में यार फे निदा इसकी वजह से, ऐ अबुल मंजर तुझे ये तेरा इलम मुबारक हो, तूने दुरुस्त पहचाना, इस कलाम हमीद में सबसे अजमत वाली अगर कोई आयत है तो आयतल कुर्सी है। अब मुझे एक बात बतलाइए, हजरत अबू उमामा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने एक हदीस सुनी है, हदीस आपने सुननी है और याद रखनी है कि इसमें आदम है अल्लाह का, एक ऐसा इसम भी है कि जिससे अल्लाह को पुकारा जाए तो अल्लाह ताला वो दुआ फिलफोर कबूल कर लेते हैं उसी लम्हे में उसी वक्त में। और अबू उमामा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इस्मे आदम सूरत बकरा में भी है, सूरत आले इमरान में भी है और सूरत ताहा में भी है। कहा रसूलुल्लाह ने बस मुझे मेरे सामने ये बात की तो मैं सूरत बकरा खोल के बैठ गया, सूरत आले इमरान खोल के बैठ गया, सूरत ताहा खोल, ये सहाबी का कौल है, रसूलुल्लाह से सुना और उसके ऊपर गौर व फिक्र करने लगे कि ये क्या रसूलुल्लाह ने बात की है। कहा फिर मैं सूरत बकरा की इस आयत पे पहुंचा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, तो मेरे जहन में आया कि इसी से मिलती जुलती दो आयतें आले इमरान में और ताहा में मौजूद है, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अनातिल वुजूहु लिल हय्युल कय्यूम, ये तीनों आयतें कहा मुझे मिल गई और मुझे पक्का यकीन हो गया, यानी तीनों आयतों में क्या चीज एक सी है। इसी वजह से मुहद्दिसीन ने और मेरे जो नाना थे खुद बड़े शेहुल हदीस थे आफत मोहम्मद गोंदलवी रहिमहुल्लाह, उन्होंने इसमें आदम की दीगर अहादीस और इस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए एक वजीफ़ा लोगों को भी और हमारी फैमिली को बताया करते थे, और वो कहते थे कि मुझे यकीन है जैसे ये अबू मामा की हदीस के अल्फाज है और दीगर भी इसमें आदम के वाले से तीन हदीसें मौजूद हैं, मैं ये समझता हूँ कि कोई शख्स अगर इसमें आदम को पाना चाहता है तो वो यूं कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी शामिल है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम या वाहिद या ज़ल जलाली वल इकराम, ये मुश्किल नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम या वाहिद या ज़ल जलाली वल इकराम। और उनका ये कहना था, मैंने अपने जितने नमाजियों को और अल्लाह के फ़ल्लो करम से तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ उनका ही सदका जारी है, जिस साथी को ये वजीफ़ा बताया कि ये 313 मरतबा पढ़ के इसमें आदम का वास्ता दे के अल्लाह से दुआ करें, आज तक अभी तक मुझे किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। हाँ ये ज़रूर कहा कि अभी 313 के दरमियान कई दफ़ा पढ़ते पढ़ते शैतान इस तरह के वज़ाइफ़ पढ़ते हुए शैतान वसवसे डालता है, मानते हैं तो पूरे नहीं हो सके, तो जो बंदा ये समझता है एक दफ़ा 313 मरतबा एक नशिस्त में नहीं पढ़ा गया, तोड़ तोड़ के पढ़ ले, कोई हरज की बात नहीं है, 7 दिन 8 दिन आप तजर्बा करके देख लें, ये 313 मरतबा इसमें आदम का वजीफ़ा पढ़ें और कोई भी दुआ जो आप समझते हैं, उलमा के पास आते हैं दुआ कराना शरी वसीला जायज़ वसीले की किस्म है, लेकिन आप खुद क्यों नहीं करते, इसमें आदम का वास्ता देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें, अल्लाह ताला वो दुआ आपकी उसी वक्त कबूलो मंजूर करेगा। आज के बाद ये अल्लाह का इसम है, ये अल्लाह के नाम है। अबू उमामा की इस हदीस से और मुहद्दिदीन के इस्तदलाल से आज के बाद ज़िंदगी के अंदर इस वजीफे को भी अपना लीजिए।